चैनल, आई एम नंदिता, यू ऑल आर वॉचिंग नंदिताज मिले चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने लेग इंजरी से अभी सफ़र कर रही हूँ। मेरा लेग में इंजरी हुआ है, उसके वजह से मैं अभी अपने वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं ज़्यादा वर्कआउट अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए, पैर का जो अपडेट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अभी जो पैर में मेरा प्लास्टर हुआ है, तो प्लास्टर के वजह से नो वर्कआउट, नथिंग, फुल टाइम रेस्ट मोड ऑन है मेरा, रेस्ट में ही हूँ मैं तो। बट हाँ, मेरा अभी मैं जो कर रही हूँ वो है कि मैं अपने डाइट पे अच्छा फोकस कर रही हूँ। मैं थोड़ा कैमरा को सेट कर लेती हूँ। मैं डाइट पे फोकस कर रही हूँ कि मैं डाइट इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करती कभी भी, ना मैं करती हूँ ना मेरे क्लाइंट को मैं फोर्स करती हूँ कि जो डाइट प्लान देती हूँ कि आप पूरा टोटल डाइट पे चले जाओ। फ्रेंड्स, आप अगर पूरा डाइट करने लगेंगे क्या करेंगे कि आप सब खाना आपके लाइफ से माइनस करते करते जाएंगे, बट आप कितना दिन कर सकते हैं? तो ऐसा कीजिए कि पोर्शन कंट्रोल कीजिए, सब खाइए, कम खाइए, खुश रहिए, अपने स्टमक को दुखी मत कीजिए, क्योंकि हम घर का खाना खाते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में हमेशा घर में जो बना हुआ खाना है वही खा के वेट लॉस की हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चीट मील नहीं करती, मैं चीट मील भी की हूँ, बट एक हेल्दी तरीके से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी किया है। तो अभी जैसे कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती थी, जुम्बा, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिमिंग, योगा। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं बैचेस लेती थी क्लाइंट्स के। बट क्या हुआ, ड्यू टू लेग इंजरी, और ये मुझे ज़्यादा बुरा लगा, अगर मैं वर्कआउट करते वक्त लेग इंजरी होता तो समझ में आता है, ये तो मैं ऐसे ही मेरा लेग इंजरी हो गया, तो इसके वजह से अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, अभी मैं ये कर रही हूँ कि मेरे डाइट के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि मैं हेल्दी तरीके से कैसे खाऊँ। तो मैंने लास्ट 3 मंथ से प्लिक्स का ये एप्पल साइडर विनेगर मैं लेना स्टार्ट की थी, प्लिक्स का। बट मैं सोची थी और कुछ दिन बाद इसका रिव्यू दूं, बट हाँ, इसका रिव्यू मैं देना चाहती हूँ। अभी मैं अपने डाइट में ये मैं रेगुलर ही लेती हूँ। लास्ट 2 मंथ, ये 3 मंथ चल रहा है, मैं रेगुलरली प्लिक्स का ये एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, और ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, और ये एप्पल का टेस्ट आता है इसमें। विनेगर का टेस्ट है, एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट है, बट उसके साथ साथ ये एप्पल का भी टेस्ट है, ताकि ये जो नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है वो लेने में, उसका टेस्ट में प्रॉब्लम होता है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसकी खासियत ये है कि आप नॉर्मल जो एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपके टीथ को, आपके गम को वीक करने में, कमज़ोर करने में वो प्रॉब्लम होता है, ताकि हम उसको स्ट्रॉ में लेते हैं इसीलिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली इसको विदाउट स्ट्रॉ भी आप ले सकते हैं, और ये ग्लूटेन फ्री है, जीएमओ फ्री है, ये विटामिन, इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए हेल्प करता है, बूस्ट करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को, ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगता है, आपका जो क्रेविंग है उसको कंट्रोल करता है, और आपका क्रेविंग अगर कंट्रोल होता है तो आपका वेट लॉस जर्नी और आपका वेट मैनेजमेंट तो ऐसे ही हो जाना है, और ये आपके फैट लॉस, फैट को लॉस करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। ब्रिक्स का जो एप्पल साइडर विनेगर है, इसमें 15 टैबलेट्स आता है, इसके अंदर 15 टैबलेट्स आता है, और इसका प्राइस है 350 रुपीज़। एक्चुअली ये बाय वन गेट वन में मुझे ऑफर में आया था, एक 1200 का उनका पैक था, जिसमें प्लिक्स का प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन बार, एप्पल साइडर विनेगर एंड ये आया था पीनट बटर, प्लिक्स का पीनट बटर आया था, तो तभी से मैं उसको ट्राई की थी, उसके बाद मैं खुद से परचेस करना शुरू कर दी। चलिए दिखाते हैं ये बनता कैसे है। इसके अंदर ऐसे फॉर्म में टैबलेट्स आते हैं, ये आपको ओपन करना है, और आपको 250 ml वाटर लेना है, और इसके अंदर आएगा एक ऐसा टैबलेट, सी इतना बड़ा एक टैबलेट आता है इसमें। बस ये टैबलेट को लेना है, और इस टैबलेट को ये पानी में आपको डाल देना है। देखिए, इसको पानी में डालते ही ये डिफ्यूज होना शुरू हो रहा है इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, ना स्पून लेके आपको स्टर करना है, नथिंग, वो अपने आप बन जाएगा, बनके आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। देखिए, ये अपने आप वो डिजोल्व हो रहा है, ये टैबलेट आपको दिखता होगा इधर है, ये देखिए अपने आप ये डिजोल्व हो रहा है इस तरीके से। और ये जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये मैं लेती हूँ अपने मील से पहले, मैं रात को नहीं लेती, मैं दिन में एक ही बार ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी वेट मैनेजमेंट में हूँ। अगर आप चाहे तो दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं, बट मैं प्रिफर करती हूँ एक ही बार लेना, मेरे लंच से पहले, लंच के हाफ एन आवर या 1 आवर पहले मैं प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। ये देखिए, ये ड्रिंक बन के अभी तैयार हो चुका है।
पूरा ये इसमें कुछ नहीं करना है, ना आपको स्टर करना है, ना स्पून लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक टैबलेट को डालना है और इस तरीके से फ्रीज होके तैयार हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हो और वेट लॉस कर रहे हो। बहुत ही अच्छा, बिलीव कीजिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। मैंने आज तक कभी भी जो लिक्विड एप्पल साइडर है ना, वो कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया है, बट इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इसका फ्लेवर जो है ना, लाइक बोलते हैं जैसे हम लोग मोहितो वगैरह पीते हैं, बाहर जाते हैं, तो वैसे ही लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है। और अभी जैसे मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे डाइट में प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक लेना मैं प्रेफर कर रही हूँ, जो मैं नॉर्मली लेती थी, और उसके साथ साथ एप्पल साइडर विनीगर ले रही हूँ, ग्रीन टी ले रही हूँ। तो अच्छे तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल करके मैं चल रही हूँ। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको एप्पल साइडर विनेगर लेंगे और ये लेने के बाद आपका वेट लॉस होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। हाँ, ये तभी काम करेगा। इसके साथ आपको क्या करना है कि हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना है और वर्कआउट भी करना है। विदाउट वर्कआउट, विदाउट डाइट प्लान, अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो नहीं करके आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? ये चमत्कारी ड्रिंक नहीं है कि इसको लिया तो आपके वेट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको डाइट फॉलो करना है, रोज वर्कआउट करना है। एटलीस्ट आप 7 डेज में 5 डेज तो आपको वर्कआउट करना है, ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो स्टेमिना है, वो बूस्ट हो सके। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू है चैनल में, तो प्लीज़ यूट्यूब के सारे एल्गोरिदम को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।